सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर बेहाल होकर लौट रहे लोग, हमीरपुर जनपद के राठ क्षेत्र व आसपास ग्रामीण इलाकों के हजारों लोग जो कि काम व मजदूरी के लिए बड़े महानगरों में गए थे, कोरोना वायरस की महामारी के चलते वहां से बदहवास होकर पैदल अपने गंतव्य स्थान की ओर लौट रहे हैं। रास्ते में तो उन्हें तरह तरह की यातनाओं का सामना करना ही पड़ता है, उसके बाद जब वह अपने गाँव घर जाते हैं तो वहाँ भी संदेह के घेरे में रखा जाता है। राठ कस्बे में अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए तमाम मजदूर लोग वापस लौटते नजर आए। नोएडा से वापस लौट रहे मजदूर उमाकांत ने बताया कि वह 4 दिन पहले नोएडा से पैदल निकला था और आज सुबह ही राठ आ पाया है। इसी प्रकार अपने परिवार के साथ कस्बे के चौराहे पर बैठे गोटीराम ने बताया कि वह फरीदाबाद से अपने परिवार के साथ पैदल चलकर वापस लौटा है और उसे यहाँ आने में 9 दिन लगे। क्या नाम है आपका? गोटीराम। गोटीराम, आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है आप लोगों को? साहब खाना पीना वहाँ मजदूरी बंद हो गई थी, सब परेशानी के मार, जब से वो सुना हो जब से मतलब भागा है अपनों। कहाँ से आए हैं आप लोग? फरीदाबाद। कैसे आए हैं? पैदल। ये पूरे सभी लोग पैदल आए? बच्चों के सब। कितने दिन लग गए पैदल? 9 दिन। 9 दिन लग गए। क्या रास्ते में खाना आना आपको मिलता रहा? रास्ता में किसी ने खिला दिया था, ठीक नहीं, हम आटा बना कर खा ले, आटे ले आते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ कहाँ रुके हैं आप? अब जाके अभी यहाँ राठ चौराहे पे। अच्छा, यहाँ आपकी जांच हुई कोई अभी? अभी नहीं। अच्छा, जांच नहीं हुई, तो अब आप कहाँ जाएंगे? अब अपने पनवाड़ी में कराएंगे जांच, सरकारी अस्पताल पनवाड़ी में। हाँ। क्या नाम है आपका? उमाकांत। मेरा नाम उमाकांत है और मैं नोएडा से पैदल चलकर सीधे राठ आया हूँ। यहाँ पे चेकअप करवाने आया हूँ कि बाद में अपने घर जा सकूँ। अच्छा, कहाँ पे हो रहा है चेकअप? ये राज रानी कुछ जगह है। अच्छा, दिल्ली से? धर्मशाला। दिल्ली से कब आए हैं आप? दिल्ली से आज ही आए हैं। आज ही आए हैं जी? पैदल चल के आए? पैदल चल के। कितने दिन में आप पहुँचे यहाँ? 4 दिन लगे लगभग। 4 दिन? हाँ, 24 तारीख को चले थे वहाँ से सुबह 8 बजे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आए हम आज सुबह कोई 6-7 बजे हो रही। क्या आपके साथ और भी लोग पैदल आए हैं? हाँ, 2 लोग और हैं। अच्छा, जिसका नाम राजकुमार है एक। अच्छा, और एक शिव कुमार। अच्छा, यानी दिल्ली से काफ़ी लोग पैदल आ रहे हैं जी। क्या करते थे आप दिल्ली में? वहाँ पे मैं वाटरप्रूफिंग का काम करता था। अच्छा, तो रास्ते में खाना आना आपको मिलता रहा है? हाँ, रास्ते में ये पुलिस वालों ने बढ़िया खाना वाना सब कुछ। अच्छा, तो अब जांच करवाने आए हैं? हाँ जी। हाँ, जांच हो गई आपकी? हाँ। अब रुकने के लिए कहाँ है? फॉर्म जमा कर रखा है, वो बोल रहे हैं कि सही से जांच करके तुम्हारे। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएँ।